नमस्कार। सो मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर आपको नज़र आएगा, थोड़ा इधर आगे एक बार झलक देख लो, वो जो गेट सा नज़र आ रहा है ना, बड़ा सा द्वार, वो द्वार है। और ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वेलकम टू स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर चल रहा है हमारा फेमस हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो पहले मैं कुछ क्लियर करता हूँ, और कि लाइक श्री गुरु राम राय, ये भी एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, ये अपनी डिग्री देते हैं। और आर्ग्यूबली जो मैं बाबा कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का तो टॉप थ्री में आता ही आता है, अगर हम MGM जयपुर, इसको MMU मौलाना को देखें, और कोई बड़ी बात नहीं अगर हम कुछ पैरामीटर्स में देखें तो नंबर वन भी है। अभी मेरे स्टूडेंट से बात हुई जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट स्टूडेंट थोड़ी शर्मीली थी, शी इज़ ए गर्ल स्टूडेंट, कह रही सर नहीं वीडियो में आना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने पूछ भी लिया, और उसके अलावा मैं एक घंटा उसके साथ बैठा, देखिए सब जानते ही हैं, पर जो बच्चा अपने मुँह से बताता है ना वो अमेजिंग होता है, और कुछ अंदर की बातें भी हैं जो आपको पता चलेगा। तो पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ के मामले में, मतलब बच्चे का पहला ये था, थोड़ी सी खुशमिजाज सी लड़की है। तो दैट दिस क्लाइंट वॉज अ टिपिकल केस, जो मैं बार बार कहता हूँ, ऑफ काउंसलिंग, मतलब ये MP डोमिसाइल की बच्ची थी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ग्वालियर शहर की रहने वाली, 2021 बैच की, नॉट 22 बैच की, और कुछ 300 की लाइन में नंबर थे। और बिल्कुल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इस रेंज में हो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको जॉली ग्रांट, राम राय, MMU मौलाना, MGM जयपुर, तो हमारी उसके बाहर था क्योंकि राजस्थान इज़ ए क्लोज स्टेट, और मैंने कहा इन तीन के बाद फिर हमारे पास MMU सोलन की ऑप्शन है, और SGT गुड़गांवा है, या UP के तीन चार कॉलेज हैं, बिकॉज गर्ल्स के मार्क्स 300 की रेंज में थे। शी वॉज़ वेरी क्लियर कि सर, उसके पेरेंट्स वॉज वेरी क्लियर कि सर शारदा सुभारती या जा सर शिरा मूर्ति बरेली के अलावा हम किसी और UP के शहर में नहीं जाना चाहेंगे, और अगर हमें चार कॉलेज नहीं मिलेंगे जो आपने इतनी तारीफ़ करी है, उनको तो पता भी नहीं था कि जॉली ग्रांट या MMU मौलाना या मैंने बोला जो MMU सोलन या श्री गुरु राम राय, तो वी विल एक्चुअली टेक अ डीम, मतलब वेरी फ्रेंकली बजट वॉज नॉट इशू विद दिस फैमिली, एंड देवर एक्चुअली रेडी टू टेक इवन DY पाटिल एंड भारतीय विद्यापीठ इन फर्स्ट राउंड, एंड वी नो DY पाटिल पुणे की फीस पैकेज 1.5 करोड़ का पड़ता है। और यही मैं आपको फ़र्क बताता हूँ एज ए काउंसलर का, और जैसा मैंने कहा कि बस उस बच्चे को मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि आई अंडरस्टैंड दी प्राइवेसी इशूज़ ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट। अब आप समझिए, क्लाइंट तैयार था 1.5 करोड़ का पैकेज लेके DY पाटिल पुणे में पढ़ाने के लिए, वो भी शानदार कॉलेज है, शानदार यूनिवर्सिटी है, हर चीज़ में शानदार है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उस 1.5 करोड़ का काम हमने 1 करोड़ में कराया, और प्लस शायद DY पाटिल से 20% अच्छा कॉलेज दिलाया। शी स्टडिंग राइट हेयर इन हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। कैसे, अब ये ऐसे काउंसलर मेरा फ़र्ज़ होता है, मेरा काम होता है। आप काउंसलिंग प्रोसेस मेरा आप कई वीडियोज़ देख चुके हैं, सुन चुके हैं। मैंने कहा MCC का राउंड 1 होगा जिसमें वो डीम्ड आती है DY पाटिल, स्टेट्स का राउंड 1 हुआ, हमने इसके लिए सब भरे, इसको MMU मौलाना नहीं मिला, मैं कोई बात नहीं, फिर हमने स्टेट्स के राउंड 1 भरे, इसको कुछ नहीं मिला उत्तराखंड में राउंड 1 में, UP के 3 कॉलेज खाली गए, और MMU सोलन मिल सकता था पर वो हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, मैं कोई बात नहीं, डीम्ड का राउंड 2 आया, फिर मैंने सिर्फ मौलाना भरा, इसको नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये लोग पैनिक कर रहे थे, मेरे को फ़ोन करके बोले सर DY पाटिल दिला दो, भारतीय विद्यापीठ दिला दो, 1.5 करोड़ रुपये हम दे देंगे, बजट इज़ नो इशू विद अस, हम बच्चा खाली ना रह जाए। मैं कहा नहीं बेटे, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, मेरा एक्सपीरियंस है। फिर हमने वेट करा, स्टेट राउंड 2 आए, और स्टेट राउंड 2 में इसको श्री गुरु राम राय मिला उत्तराखंड में। जी हाँ, अगर आप ढूंढोगे तो आपको ऐसा बच्चा मिल जाएगा नाम, जिसको 2021 में राउंड 2 में श्री गुरु राम राय अलोकेट हुआ। अब राउंड 2 में गुरु राम राय मिल गया, हमारा काम छूट गया, हमारे पास एक कॉलेज आ गया जो कि नॉर्थ इंडिया का टॉप 4 है, हम UP के लोअर कॉलेज तो हमने भरे भी नहीं थे राउंड 2 में, हमने MMU सोलन से हम बाहर हो गए। वेरी फ्रेंकली MMU सोलन में हमने उसको सीट दिला दी थी राउंड 2 में, और मैं ईमानदारी से कहूँगा वो एक हमारा 1 लाख रुपीज़ का नुकसान हुआ, बट हम एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे थे। मैंने कहा चिंता मत करो, वो 1 लाख रुपये जाएंगे क्योंकि हमने बैकअप के लिए स्टेट राउंड 2 भर लिए थे, और मैंने इसको ये कहा था कि राउंड 2 में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम राउंड 3 में डीम्ड में फिर वो DY पाटिल या भारतीय विद्यापीठ ले लेंगे। पर चूँकि राउंड 2 में गुरु राम राय मिल गया, हमारे पास एक सीट आ गई, इन्होंने आके फीस जमा करा दी, और फिर हमने मॉपअप में हम अपग्रेड के लिए गए, और मॉपअप में बच्चे को जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज मिल गया। इस कॉलेज की मैं लोकेशन की बात करूँ, थोड़ा सा अंदर आ गए थे 2 किलोमीटर, जो एक फेमस हाईवे है जिसे हम हरिद्वार देहरादून हाईवे कहते हैं, लंबी सी नई सड़क बनी है, आप जानते हैं ऐसे, मतलब ये हरिद्वार है और ये ऋषिकेश है, तो ये देहरादून है या ये देहरादून है, और ऐसे रोड आती है, ये ऋषिकेश जाती है, हरिद्वार आती है, और जो हरिद्वार ऋषिकेश को सड़क मिला रही है उससे ये टच होती है,
तो ये बीच का हाईवे है, ये दोनों के बीच में से गुजरता है। ये जो कॉलेज है ये इस हाईवे से पहले ही यहाँ पर आकर ऐसे बीच में आ गया था। मतलब इस कॉलेज से ऋषिकेश सिर्फ 20 किलोमीटर है, हरिद्वार 30 किलोमीटर है। तो ना ये हरिद्वार के पास है ना ऋषिकेश के पास है। यहाँ पर लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है और इसका आपको एक आइडिया ऐसे लगेगा कि जैसा मैंने कहा कि एक कैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है उसकी आपको कैसे पहचान होती है। तो इस समय हम गेट के बाहर हैं, गेट से थोड़ी सी दूर है। आप देख सकते कितना अच्छा डिज़ाइन है। गेट के अंदर तो पूरी एक दुनिया थी, मैं अभी गाड़ी पर पूरा घूम के आया, कॉलेज हॉस्पिटल। और चूँकि यहाँ पर अब देखिए यूनिवर्सिटी भी है, मतलब पार्किंग में कम से कम 300 गाड़ियाँ खड़ी थी। और जो क्वालिटी ऑफ हॉस्टल मैं बताऊँ, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। पर पहले ये देखते हैं, आइए क्विकली आपको बस ये देखते हैं। और आपने लेफ्ट में एक दुकान देखी कि आप टोटल देखिए कितने केमिस्ट हैं। तो सुहाना मेडिकल, अमजद मेडिकल, ये दोनों नाम भी आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो ये लोकल है ये थोड़ा मुस्लिम एरिया यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, आप देखते जाइए, ये एक तरफ हो गया और यहाँ पर आपको 6-7 केमिस्ट की दुकान नज़र आ रही है और 2-3 ढाबे नज़र आ रहे हैं। अब ये जितने ढाबे हैं ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ लोकल, मतलब इन पेशेंट्स के लिए हैं जो इन अस्पताल में दवाई लिखवा कर आए हैं। इससे आपको पता चलता है। और सामने, ठीक सामने देखिए शाइन फार्मेसी का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और उसके पीछे आपको आगे राइट पे बोर्ड नज़र आ रहे हैं आनंद मेडिकल, टंडन। तो 10-12 अगर केमिस्ट की दुकानें चल रही हैं एक कॉलेज के दम पर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स। मतलब मेरे को सुनने में आया कि 1500 से 2000 की ओपीडी हर रोज़ होती है, हर रोज़। इतना शानदार ये कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ द सुपर स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉट फॉर दिस। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया, सर इवन हम कभी कभार देखते हैं रुड़की से, सहारनपुर से यहाँ पर पेशेंट रिकमेंड होकर आते हैं, ऑफकोर्स ऋषिकेश से, वहाँ से। और सब बड़ी फनी चीज़ बोली, कह रही सर आप नेट पर चेक करोगे ना, आप इस बेचारा अस्पताल बड़ा बदनाम है कि इस अस्पताल की डेथ रेट काफ़ी हाई है। तो कहते सर क्योंकि यहाँ पर ना सारे वो पेशेंट भी रेफ़र किए जाते हैं कि जब सारे उत्तराखंड के डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेते हैं, और सब उत्तराखंड नहीं, जो यहाँ से यूपी का एरिया लगता है, जब डॉक्टर वहाँ का हाथ खड़ा कर लेता है, बड़े अस्पताल का डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेता है, तो कहता मरने से पहले पेशेंट को यहाँ लाया जाता है। हर बंदा कहता है जी एक बार हिम्स ले जाओ या एक बार हिमालयन हॉस्पिटल ले जाओ। तो सोचिए उस वजह से इस हॉस्पिटल की डेथ रेट बढ़ जाती है कि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो मरने वाले होते हैं, वो लोग फिर यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाती है। यूजी है, पीजी है, यूजी की 150 सीटें हैं, पीजी में हर स्पेशलाइजेशन है। बहुत पुराना कॉलेज है, 20 साल से ऊपर हो चुके, मतलब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सब में अव्वल है। तो एक नुकसान भी है, नुकसान पता क्या है, और बड़ा फनी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो बच्ची, मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी प्यारी सी है, 300 की रेंज में थी ना, 600 वाली नहीं थी। तो मुझसे मजाक में कहती सर आपने ये नहीं बताया था मेरे काउंसलिंग में, शायद मैं यहाँ ना आती, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे पापा तो मम्मी तो बहुत खुश हैं कि सर ने बड़ा अच्छा कॉलेज दिलाया, पर सर मैं तो फंस गई। क्यों? एज ए गर्ल्स हॉस्टल मंडे टू संडे रोज़ आपकी रात को 9 बजे अटेंडेंस होती है, जी हाँ, एक एक बच्ची की। और अगर 9:01 भी हो जाए तो आपको अपने घर फ़ोन करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, आपके मम्मी या पापा में से एक बंदा बात करेगा कि आपकी बिटिया 1 मिनट लेट आई है। देखिए कॉलेज से गेट के बाहर निकलने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रात को 9 बजे तक आपको वापस आना है। कॉलेज में क्लासेस रोज़ होती हैं, 5-5 बजे तक होती हैं, अटेंडेंस में 80% से ऊपर अटेंडेंस चाहिए। और लड़की ने खुद ही बोला, कहती सर माहौल ही ऐसा है ना कि 2 महीने बाद तो हर को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा सीरियस एटमॉस्फेयर है, बच्चे लगे हुए हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। तो कहती हम, कहती खुद भी नहीं जाते, पर कहती एक बार सर हुआ था कि हम यही बाहर खाना खाने आए थे थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए, तो पता चला कि 9:05 भी आए तो हमें, तो हमारे तो जैसे बोलते ना कि हमें लाइन हाजिर कर दिया गया। और हॉस्टल का फूड बड़ा अच्छा है, मतलब शी एक्चुअली शोड मी द मेन्यू, और मेन्यू में ये है कि भाई हर जगह मेन्यू होता है, बट अगर हम आज के खाने की बात करें तो हर रोज़ लंच में फ्रूट्स हैं, हर रोज़ डिनर में एक स्वीट डिश है, और स्वीट डिश ही प्रॉपर है, कभी जलेबी है, कभी चमचम है, इस तरह की है। तो आज का ब्रेकफास्ट में शायद पोहा था, सैंडविच थे, टी मिल्क तो होता ही है, दूध भी है, और एग वगैरह होता है। लंच में फिर शाही पनीर की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी थी, फिर राइस, रोटी, वो सब। और अगेन देखिए यहाँ पर 1 करोड़ का पैकेज पड़ता है, तो बच्चे अच्छे घरों से आते हैं। और जब ऐसे बच्चे ने बोला सर यहाँ का खाना रोज़ खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बड़ा बोला, मैंने पूछा बेटा घर जैसा खाना है? क्या सर घर तो फिर घर है, बट घर से 19-21 ही है, ख़राब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि काम चलाना पड़ रहा है, जैसे कि हम घर में रहते हुए तो हफ्ते में 1-2 बार बाहर खाना खाते हैं ना, वैसे हम 2 बार ही बाहर जाते हैं,
पर हफ्ते में 5 बार बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दे कैन अफोर्ड। तो कहती नहीं सर, शौक या स्वाद बदलने के लिए बाहर खाते हैं, बट इनका खाना ऐसा है कि हमेशा खाया जा सकता है। तो कहती सर, इस गेट से निकले निकले हमें कभी कभार 20-20 दिन महीना हो जाता है, ज़रूरत ही नहीं है खाना अंदर मिले। अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था, मुलाना की तरह नहीं कि पूरी मार्केट है, उसमें एक बहुत अच्छा कैफे था जहाँ पर मैंने भी स्नैक्स खाए, ऊपर एक जिम भी है। और कहती है सर, वो डे टू डे की ज़रूरतों के लिए डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह जो बाकी आपको चाहिए पर्सनल यूसेज के लिए, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। और कॉलेज के बाहर तो मैंने बोला मार्केट ये थोड़ा एक मैं कहूँगी टाउन टाइप का एरिया, सिटी नहीं है, ये टाउन है, छोटा सा डोई वाला या एरिया वैसे जॉली ग्रांट एरिया का नाम है, वो है, हर लिहाज से शानदार है। और आपको दिखाने का पर्पज़ ये था, हाँ वो बात है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, रोज़ 9 बजे अटेंडेंस होती है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। तो वो कहती है सर, जो बच्चा सिर्फ पढ़ना और पढ़ना चाहता है ना उसी को यहाँ भेजो, यहाँ पर चाहे वो प्राइवेट में आए पर यहाँ वो ढंग से पढ़ लिया ना तो उसका पीजी सरकारी पक्का निकल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये इतना पढ़ाते हैं कि जो यहाँ से पढ़ जाएगा उसका नीट पीजी सरकारी निकलना ही निकलना है। तो जो भी 400 नंबर 350 नंबर की रेंज वाले अगर ये सोचते कल को हमारा पीजी सरकारी में निकल जाए, वो यहाँ पढ़ाई करें, मौलाना में पढ़ाई करें, MGM राजस्थान में पढ़ाई करें, श्री गुरु रामराय में पढ़ाई करें। और जो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी पूरा केस स्टडी सुनाया, 400 नंबर वाले को भी 350 नंबर वाले को भी हम यही कहते हैं कि तुम्हारा मॉप अप राउंड में जो कि MCC का राउंड 3 होता है, DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, ये सब सिक्योर्ड हैं, सेफ हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले आप राउंड 2 तक इन कॉलेज का ट्राई कर लो और जहाँ कुछ मिल जाएगा तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ द काउंसलिंग स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये हमें फॉलो करनी चाहिए। वैसे कुछ पक्का नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे की लॉटरी लग गई ना कि वो यहाँ पर पढ़ रही है और खुद ही कहती सर मेरी आप नीट PG काउंसलिंग करना गवर्नमेंट के लिए, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं PG की गवर्नमेंट सीट ही निकालूंगी। तो इस तरह से आप भी राइट काउंसलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का करियर बने, आपका करियर बने, और चाहे इस साल आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है MBBS में, बट MD में आप नीट PG सरकारी निकालें, उसके लिए MBBS बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्योंकि